हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी अच्छे होंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना जो चैनल है वो स्पेशली क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ताकि जो मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, है ना। तो आज उसी से रिगार्डिंग मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देखिए, काफ़ी दिनों से ऐसा है कि जो चैनल है वो अप डाउन चल रहा है ना। कभी मतलब कोई वीडियो आती है, कभी नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा कंटेंट उठाएं जिसके ऊपर हम डेली के डेली एनालिसिस कर सकें और जो काफ़ी फ्रूटफुल भी हो, वैल्यूएबल भी हो। तो आप सभी को पता है, जब भी हमारे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके अंदर कोई भी न्यूज़पेपर है वो सबसे अहम भूमिका अदा करता है ना। कोई भी न्यूज़पेपर है उसके अंदर जो मुद्दे आते हैं, जो मटेरियल्स आता है, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियोस डेली के डेली रूटीन में क्रिएट करते हैं। और उससे क्या होगा, उससे आपको एनालिसिस होता रहेगा और आपको वो मैटर पता लगता रहेगा, आपको मुद्दे पता लगते रहेंगे जो उस पेपर के अंदर आ रहे हैं, जो उस न्यूज़पेपर के अंदर आ रहे हैं। तो देखिए, आज उसी के रिगार्डिंग मैं आपके पास अनाउंसमेंट करने के लिए पहुँचा हूँ। तो आज से आपके पास डेली के डेली एक वीडियो आएगी जो होगी द हिंदू एनालिसिस। द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ऑलमोस्ट द हिंदू को सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है ना। हो सकता है दैनिक भास्कर को लोग ना जानते हो, बट द हिंदू को जानते हैं, क्योंकि द हिंदू जो है वो टॉप न्यूज़पेपर्स में से एक है। और द हिंदू एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर से यूपीएससी के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके अंदर कोई भी फालतू का एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होता है। इस न्यूज़पेपर की खास बात ये है, इस न्यूज़पेपर की जो विशेषता है वो ये है कि इसके अंदर कोई भी फालतू का मटेरियल नहीं होता है। इसके अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी न्यूज़ छपती है, प्रिंट होती है, वो काफ़ी वैल्यूएबल होती है और वो काफ़ी सर्टिफाइड होती है। इसलिए द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर हम डेली के डेली एनालिसिस करेंगे, द हिंदू एनालिसिस, ठीक है। आपके लिए मैं डेली के डेली वीडियोस लेके आऊँगा जिसके अंदर जो द हिंदू के अंदर जो मटेरियल है, यानी कि जो चर्चाएं हो रही है, जो मुद्दे हैं, जो खबरें आ रही है, उसका हम लोग डेली के डेली एनालिसिस करेंगे। तो डेली के डेली एनालिसिस से आपको क्या फ़ायदा होगा, अब बात आती है आपको फ़ायदा क्या होगा इससे। देखिए, हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी हो या ना लेनी हो, फॉर एग्जाम्पल आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे हमें तो प्राइवेट सेक्टर में जाना है, हमें क्या करना द हिंदू एनालिसिस का। भाई, तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना है, ठीक बात है, ठीक है, बट क्या तुम्हें देश से कोई लेना देना नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? उसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। मान लो आप कहीं भी बैठे हो, आपसे पूछ लिया जाए कि इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे, अब जब आपको पता होगा तब तो आप बता पाओगे, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या बता दोगे, है ना। तो जॉब चाहे कैसी भी लो आप, ठीक है, और जॉब चाहे ना भी लो, ठीक है, कई लोग होते हैं ना कि ऐश की ज़िंदगी जीनी है, जॉब तो करनी नहीं है हमें, है ना। कोई बात नहीं है, आप जॉब मत करो, आप अपने पिताजी का बिजनेस संभालोगे या कुछ तो करोगे ना अपना पेट पालने के लिए। तो उसके साथ साथ आपको देश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या करंट में चल रहा है, क्या देश की सिचुएशंस है, ठीक है, उसका एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब वो एनालिसिस दैनिक भास्कर पढ़ के नहीं होता है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। दैनिक भास्कर में हाँ न्यूज़ छपती है, ऐसा नहीं कहता है न्यूज़ नहीं छपती, न्यूज़ छपती है, बट उसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल काफ़ी ज़्यादा आता है, तो हमें ये नहीं पता लगता है कौन सा वैल्यूएबल है और कौन सा नहीं है। बट जो द हिंदू न्यूज़पेपर है ना, उसके अंदर मोस्ट वैल्यूएबल और फ्रूटफुल जो है न्यूज़ वो छपती है, ठीक है, और इसके अंदर वो न्यूज़ होती है जो कि एस्पिरेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज से हम लोग एक रूटीन स्टार्ट करेंगे, आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे और डेली के डेली हम द हिंदू पेपर को एनालाइज करेंगे। उसके अंदर ऐसे ऐसे मुद्दे आएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम डेली के डेली वीडियोज़ लेके आएंगे। आई होप आप सभी का सपोर्ट मेरे साथ बना रहेगा। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस बात को शेयर कीजिए, जो तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की या जो नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना कि देश के हालात सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं और एक देश के अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ ये बनता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है वो हमें, उसकी हमें अच्छे से जानकारी हो, है ना। हम सिटीजन तो हैं इंडिया के, बट सिटीजनशिप हम प्रूव कैसे करेंगे जब हमें इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी घर के अंदर रह रहे हो, अब आपको ये नहीं पता घर का मेन गेट कहाँ है, घर का किचन कहाँ है, घर का बाथरूम कहाँ है, ठीक है, घर का बेडरूम कहाँ है, तो
तो आपका उस घर में रहने का फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि जब आप उसके नॉलेजेबल नहीं हो, जब आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आपका वहाँ स्टे करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वही बात है, देश के अंदर क्या हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए, और एज ए स्टूडेंट तो खास करके पता होना चाहिए। आपको मैं बता दूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो मैंटेलिटी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चा साइंस कर रहा है ना वो सोचेगा मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ूँ, ठीक है, और उसके अलावा जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो सोचेंगे मैं फिजिक्स क्यों पढ़ूँ, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, हम एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं साइंस के, वो जीके नहीं पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी जो स्ट्रीम है वो पीसीएम तक ही लिमिटेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। उसके एडवांस में आप देखोगे लिटरेचर जो सब्जेक्ट है तो वो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको अवेयर होना है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो हर फील्ड के अंदर जानकार हो, हर फील्ड का जो ज्ञाता हो, ठीक है। हाँ, तो हम यही बात कर रहे थे कि हर फील्ड का आपको ज्ञाता बनना है, यानी कि आपको नॉलेजेबल होना है, ठीक है। एक शिक्षित इंसान वही होता है जिससे हर फील्ड का नॉलेज हो, जिसे हर क्षेत्र के अंदर जानकारी हो। तो इसी के ऊपर हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे डेली के डेली, और आपको भी डेली के डेली पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप उन करंट मटेरियल से आप अवेयर हो सको, करंट न्यूज से आप अवेयर हो सको कि चल क्या रहा है और उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो द हिंदू जो पेपर है उसका आपको डेली के डेली वीडियोस आपको मिलती रहेगी, और आपको उसको एनालाइज करना है, आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। आप वीडियो में पढ़ सकते हैं, आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं। अब बात आती है कि द हिंदू ही क्यों, तो द हिंदू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल न्यूज़पेपर फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए एंड एक्सेट्रा। जो भी बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं जो भी ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसके अंदर द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएससी का उठा के देख लीजिए, आप कोई भी देख लीजिए, या फिर आप कोई भी जो बड़ा एजुकेटर है उससे आप एडवाइस ले लीजिए। जैसे मान लो कि जो आईएएस आईपीएस की जो प्रिपरेशन कराते हैं, या फिर जो एनडीए डिफेंस की प्रिपरेशन कराते हैं, या फिर जो एसएसबी की प्रिपरेशन कराते हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, वो एजुकेटर्स आपको एक ही न्यूज़पेपर आपको फॉलो करने को बोलेंगे, जो है द हिंदू। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका एनालिसिस करते रहेंगे, तो आपको डेली की डेली वीडियोस मिल जाएगी। तो आज शाम तक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको वो देखनी है, और आई होप आप सभी सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द हिंदू एनालिसिस टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।